का स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्षम आप लोग के साथ आई नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। जी हाँ, राजधानी जयपुर की यातायात पुलिस पिछले कुछ समय से सतर्क होती नजर आ रही है, जिससे यातायात सही तरह से कार्य कर रहा है। कल ऐसा ही एक मामला सिंधी कैंप बस स्टैंड पर देखने को मिला, जिसमें एक शराबी बस ड्राइवर वन वे में बस चला रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच कर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। जयपुर के सिंधी कैंप पर तैनात सहायक उप निरीक्षक बिहारी लाल और तैनात जापते ने जयपुर चुरू रोडवेज बस के चालक की लापरवाही को देखकर उसे रुकवाया। चालक बस को वनवे में लेकर चलाकर आ रहा था। बस रुकवाकर चालक का ब्रेड टेस्ट किया गया। इससे पता चला कि चालक ने शराब का सेवन कर रखा था। इसके चलते चालक पर कार्रवाई की गई और बस जब्त होने पर सवारियां दूसरी बस में बैठाई गई। सवारियों ने इस बात के लिए यातायात पुलिस को धन्यवाद भी ज्ञापित किया, साथ ही ड्राइवर को कोर्ट में भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है, साथ ही लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।